जी नासिर भट्ट साहब, आप मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं, कर दिया क्या उसमें फैसला ठीक था कि आप एक जब एक था फैसला जी, आप मुझे बताएं ना, ये 63A में क्या है कि आप जिस सियासी जमात में शामिल हो जाते हैं फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कह रहे हैं कि आप वो जमात छोड़ दें और 15 दिन आपको दे रहे हैं किसी और जमात में, ये किधर का दिन है ये? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या गलत तशरीह नहीं की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ गलत फैसला नहीं किया, क्या हुआ उसमें? उस जुल्फकार अली भुट्टो बेचारे तो दुनिया से चले गए और अदालत ने कहा जी हाँ ये पहला फैसला गलत था, तो फिर उसको वापस लेके आएंगे आप? क्या उन जजेस को कुछ पूछा जाएगा? तो बात ये देखे, मैंने आपकी बात सारी सुनी है, 60 थे, अब आप बताएं ना मुझे, अब ये जो आप एक बात कर रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे हम रुकेंगे नहीं, आप रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक आपकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारी एक कैदी से मुलाकात करा दें भाई, अड्याला जेल में सब कैदियों की मुलाकात बंद है। और एक बात आप याद रखें कि ये आपका जो तरीकाकार है आप समझ रहे हैं, आप ये देखें कि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। साहब देखें, उनका तरीकाकार इन दिनों में एहतजाज का बिल्कुल ठीक नहीं होगा अगर वो करेंगे, लेकिन वो जब बार बार कह रहे हैं एक कैदी से मुलाकात है, वो कैदी उनका लीडर है। देखे लीडर वो एक कैदी नहीं है ना, उनकी पार्टी का लीडर है, मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। अडियाला जेल में सब कैदियों जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं होती थी वो भी गलत था, ठीक है? हमारे यहाँ तो ये होता था, उनकी शादी ने अरसे बाद इंसाफ मिला, उस पर भी मैंने खुलकर अभी बात की, जिसके साथ भी ये गलत है। मियां के साथ क्या किया साकिब निसार ने? गलत किया ना? सईद कोसा ने क्या किया? तो कौन कह रहा है सही किया? तो मुझे बताएं, उनको भी इंसाफ चाहिए था ना कि नहीं? ये कहने उमर राइट, उस वक्त उमर राइट किधर थे? तुसी बदला लेना है? नहीं मैं बदला नहीं ले रहे, अगर हम एक ठीक कर रहे हैं कानून को, आप मुझे बताएं कि अगर हम देखे मेरी बात सुनिए, जब देखे अब हसास शख्स वो होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कहता है कि मैं किसी और के साथ इस ट्रेंड को चेंज करूंगा। अगर आप मुझे ये समझ देती, आप लोगों से आर्ग्यू करते ना इंतहाई अदब के साथ, आप मेरे बड़े, उनका बहुत एहतराम करती हूँ, बट सब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों से उनके बारे में बात करते पे थे, हमारे साथ भी हुआ था, उनसे कर लेंगे तो भाई हमारे साथ भी हो रहा है। एक दूसरे की जो अदवार में जो कुछ होता है, क्या जस्टिफिकेशन है? मेरा सवाल समझे, क्या वो जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल नहीं है वो। मुझे मेरे कायद ने उस दिन कह दिया कि भाई तुम कहते थे अमेरिका जाके भी मैं नवाज शरीफ के एसी बंद करूंगा, वो भी गलत कहते थे। आप एक ही जगह दो एसी लगाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, वो भी गलत था, उन्हें भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताएं इस सूरत हाल में, अब आप बताएं कि आप अगर हुकूमत को और रियासत को ब्लैकमेल करने के चक्कर में हैं तो ये कभी नहीं होगा। एक कानून बन गया है कि इस्लामाबाद में रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं हो सकता, हमने आपको जगह भी दे दी। आपका अगर ये वतीरा है कि आपने शरारत ही करनी है, तो आप मुझे बताएं, आप एक अगर सियासी जमात इमरान खान की है तो क्या इस वक्त उसका एहतजाज करना बनता है? क्या दुनिया को ये मैसेज इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन फिर एक सवाल है ना, जो आपके साद रफीक साहब, आपकी पार्टी के ना ख्वाजा साद रफीक साहब बहुत सीनियर बंदे हैं, उन्होंने मशवरा दिया है हुकूमत को कि पीटीआई वालों की मुलाकात उनके लीडर से करवा दें। देखिए ना, मैं कहता हूँ कि चले उन्होंने जाके रोला ही खत्म हो उनका, लेकिन ये तो किसी से बात ही नहीं करते हैं, वो मुलाकात चाह रहे हैं ना। वज़ीर दाखला साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है ना, अगर ये मुलाकात कर लेते हैं फैसला मना कर देते हैं तो ना इंतजार करें ना, आज होता है फैसला, कल इन्होंने कल तो एहतजाज कर देखे ना, वज़ीर दाखला को एहतजाज किस तारीख को कर रहे हैं? वो कल कर रहे हैं 15, तो फिर कल फैसला होगा। मुझे बताए कल सुबह सुबह फैसला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।